गोरखपुर महानगर में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए शहर में बिना परमिट के ऑटो संचालन पर पूरी तरह से रोक लगाए जाने की कवायद की जा रही है। मंगलवार को एसपी ट्रैफिक श्याम देवबिंद की अगुवाई में धर्मशाला बाजार चौराहे पर वृहद अभियान चलाकर शहर के अंदर बिना परमिट चल रहे ऑटो चालकों के परमिट की चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान बिना सिटी परमिट पाए गए दर्जनों ऑटो को यातायात नियमों के तहत कार्रवाई करते हुए सीज किया गया है। एसपी ट्रैफिक श्याम देवबिंद ने बताया कि शहर में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए इस तरह का अभियान आगे भी चलता रहेगा। इस संबंध में गोरखपुरनी संवाददाता से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक श्याम देवबिंद ने कहा, महानगर में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए यातायात पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में आज धर्मशाला पर जो है ऑटो और ई रिक्शा की चेकिंग की जा रही है। जिनके पास डीएल नहीं है, जिनके पास बस परमिट नहीं है या जिनके पास सिटी परमिट नहीं है, देहात परमिट है और शहर में चल रहे हैं, उनके खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया गया है। और जिनके कागजात नियमानुसार नहीं पाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ यातायात नियमों पर कार्रवाई की जा रही है। ये इसके लिए रोड मैप भी बीच में लगाई गई है कि जिनका सिटी परमिट नहीं है तो देख के एंट्री दिया जाए। हाँ, गोरखनाथ मंदिर के पास में जो हमारा लेबर भी रहा है वहाँ भी ये चेकिंग चल रही है, वहाँ भी लगाया गया है, लेकिन फिर भी लोग कहीं इधर उधर से आ जाते हैं तो उसकी चेकिंग यहाँ भी चल रही है।